ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, 15 जून 2023 के दिन पिता, आत्मा, नौकरी और प्रशासन के साथ ही धन, संपत्ति और वैभव के कारक माने जाने वाले भगवान सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इस बार इतिहास में भगवान सूर्यदेव जो है ना, वो 365 दिन बाद यानी कि पूरे एक साल बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, भगवान सूर्यदेव के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही 6 राशियां ऐसी है जिनका भाग्य उदय होने जा रहा है। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से उनको अपार धन, संपत्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही 6 राशि वालों को कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा, व्यापार में पदोन्नति, तरक्की देखने को मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिन पर 15 जून 2023 के बाद से ही यानी कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही उनके जीवन में बहुत ही बड़ा धन प्राप्ति का और अचानक से धन आने का योग बन रहा है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्याय नमः अवश्य लिखिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। यानी कि किसी भी कुंडली या किसी भी राशि में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, सूर्य उच्च भाव में होते हैं, तो उस व्यक्ति को अपार सफलता का योग बनता है, धन प्राप्ति के अलग अलग माध्यम खुल जाते हैं। तो चलिए भगवान सूर्यदेव जो है ना, वो 15 जून 2023 की शाम को 6:17 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और भगवान सूर्यदेव के मिथुन राशि में गोचर करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपको बता दें मित्रों कि 15 जून 2023 के तुरंत बाद से ही भगवान सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उनका शुभ प्रभाव तुला राशि वाले लोगों पर बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव का संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए यह समय आपको किस्मत का पूरी तरीके से साथ दिला सकता है। तुला राशि वालों के घर में कोई भी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो सकते हैं। तो वहीं जो व्यक्ति विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं ना, और जिनकी तुला राशि है, उनकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जिनकी भी तुला राशि है ना, उनको भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इस साल 2023 में धन प्राप्ति के अलग अलग माध्यम के नए नए योग बनेंगे और कई स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल अचानक से आपको धन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त रूप से सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप के साथ कोई भी काम करते हैं ना, तो 15 जून के बाद से ही तुला राशि वालों को इस साल व्यापार में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। 15 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय है ना, वो तुला राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड होगा साल 2023 का। तो वहीं अगर आप नौकरी करते हैं, किसी और के यहाँ पर काम करते हैं, तो भी मित्रों नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपका प्रमोशन होगा और साथ ही इस साल 2023 में कोई भी बड़ा और अच्छा पद मिल सकता है। अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह तलाश जल्द ही पूर्ण होगी और इसी बीच आपको रुका हुआ धन मिलने से आपकी बचत में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको किस में ज्यादा तरक्की मिलेगी, आपकी परेशानियां कब खत्म होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हां मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए।
अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर परेशान हो चुके, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या परिवार के लोगों में गृह कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, सगाई से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए, भगवान सूर्य देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि आने वाली है ना, वो बनती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का गोचर करना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा, क्योंकि भगवान सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के पांचवे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको कोई भी अच्छा और शुभ समाचार मिल सकता है। आपको पुराना इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो उससे लाभ मिलेगा और आर्थिक मामलों में भी कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। सूर्य देव आपकी राशि के सातवें भाव के स्वामी भी है, इस कारण कुंभ राशि वालों को पार्टनर के साथ काम में लाभ हो सकता है। मतलब अगर आप पार्टनरशिप में किसी के भी साथ कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो दोस्तों जिनकी भी कुंभ राशि है ना, उनको जबरदस्त रूप से तरक्की या सफलता मिलने के योग रहेंगे, प्रॉफिट अच्छा होगा। और अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी समय और भाग्य दोनों ही आपके फेवर में होंगे। जीवन साथी की भी तरक्की बनेगी और जो भी कुंभ राशि वाले नौकरी करते हैं उनको नौकरी में भी नए नए अवसर नए नए मौके मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ यानी की सराहना की जाएगी। दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनि देव है और अभी शनि की साढ़े साती कुंभ राशि में ही चल रही है और शनि देव के पिताश्री सूर्य देव माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य देव का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और जबरदस्त रूप से फायदेमंद साबित होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों की सेहत में सुधार होगा और वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा, व्यापार में प्रॉफिट तो होगा ही, वहीं अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उससे भी आपको अच्छा सा मुनाफा मिलेगा। चलिए, तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, जिनकी भी सिंह राशि है उन सभी लोगों को भगवान सूर्य देव का गोचर बहुत ही ज्यादा शुभ माना जा रहा है। आपको लगभग कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन प्राप्ति के नए नए योग भी बन रहे हैं। आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, परिवार वाले लोगों का आपको पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। सिंह राशि वाले जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे उसमें भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से सफलता ही सफलता नजर आ रही है। चलिए, चौथी जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है मित्रों कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का मिथुन राशि में गोचर करना कर्क राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छे और शुभ फल प्रदान करेगा। इस दौरान आपके रुके हुए काम संपन्न होंगे, आप खूब सारा धन भी अर्जित करेंगे, साथ ही पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को पदोन्नति प्रमोशन मिल सकता है और कारोबार में भी आपको लाभ होगा। घर परिवार में आपका जो साथ है ना, वो अच्छा समय बीतेगा। जिनकी भी कर्क राशि है ना, भगवान सूर्य देव का गोचर करियर में आपके लिए नई नई ऊंचाइयां लेकर आया है। नौकरी में आपके प्रमोशन के संयोग बन रहे हैं तो बिजनेस में मुनाफा होने की संभावना है। आपके नए दोस्त भी बन सकते हैं। हालांकि इस समय आपको किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। आपका जो सबसे अच्छा और क्लोज मित्र है या आपका सबसे खास विश्वास पात्र है ना, वही आपको धोखा दे सकता है। जो लोग विदेशी स्रोत से व्यापार करते हैं ना, उनको कारोबार में बहुत ही अच्छी शानदार सफलता मिलेगी। हालांकि खर्चे भी इस दौरान बढ़ेंगे और आपकी इनकम से ज्यादा खर्च भी हो सकता है। इस बात की आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, कंट्रोल बनाए रखना है। बाकी पारिवारिक मामले में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का मिथुन राशि में गोचर करना मकर राशि वालों को शानदार आर्थिक लाभ दिलाएगा, जिससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपको धन कमाने के कई नए नए मार्ग भी खुल जाएंगे। कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा और ऐसे में
जो लोग बेरोजगार है उनको अच्छी नौकरी की मिल सकती है। आपके करियर में जबरदस्त रूप से तरक्की होगी। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आपको अपनी जॉब में कोई भी बड़ी और अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है ना उनका आपको साथ मिलेगा। और साथ ही लंबे समय से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेगी, पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। जो विद्यार्थी है छात्र है उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। लगभग मकर राशि वालों को हर एक काम में सफलता ही मिलेगी। आपसी संबंधों में भी सुधार आएगा, प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। धन अर्जित करने और आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने में आपको इस समय भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोग जान सके। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय, नमः मित्रों।